डिस्ट्रिक हॉस्पिटल के अंदर इस समय एस पी एस पैरा मेडिकल कॉलेज के जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं स्टाफ मेम्बर्स है एस पी एस जो पैरा मेडिकल कॉलेज है उसके डायरेक्टर डॉक्टर के आर शर्मा साहब इस समय तमाम स्टाफ के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सुंदरबनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल परिसर के अंदर इस समय हाथों में तख्तियाँ लहराते हुए अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस के ऊपर क्या संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है और क्या संदेश आप आज के उपलक्ष्य में नर्सेज के लिए विशेषकर जिनका योगदान हमारे समाज के उत्थान के लिए विशेषकर मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए नर्सिस का बेहतर योगदान रहता है और आज के उपलक्ष्य में आज के दिन में आप नर्सिस के लिए क्या कहना चाहेंगे मैं तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का वेलकम करता हूं यहाँ इन बच्चों का वेलकम करता हूं जो यहाँ पे आए इससे ऐसा है कि आने वाली जनरेशन जो है बहुत कुछ सीखेगी और जनरेशन को ये पता चलेगा कि भैया ये कैसा प्रोफेशन है क्या है हर कोई देखेगा तो मैं क्या कहूँगा कि इस बार जो हमारा है वैसे डे जो पूरा है वो तो कल है जो हमने मनाना है हम भी मनाएंगे ये मनाएंगे पर इसमें इस साल की दीम जो है वाइस टू लीड वाइस टू लीड लीड मीन्स के इन लोगों ने ही लीड करना है इन लोगों ही ने सब कुछ करना है डॉक्टर तो जस्ट है कि भाई चेकअप किया वार्ड में भेज दिया कहीं पे भी हो गए अब यहाँ पे तो इनको इतनी इंपॉर्टेंस अपनी पता नहीं है आप किसी इंस्टीट्यूट में जाइए एम्स में जाइए स्किम्स में जाइए कहीं पे भी जाइए वहाँ तो जितनी वैल्यू इन की है इतनी डॉक्टर की वैल्यू नहीं है यही तो मेन तो पेशेंट केयर का केयर के लिए इन्हीं का रोल है सब तो मैं इनके लिए बेस्ट विशेष ही कह सकता हूँ कि भैया जो इनका जॉब है उस हिसाब से ये अपना अगर जॉब पूरी तरह हम परफॉर्म करेंगे तो इससे अच्छा प्रोफेशन कोई भी नहीं है इससे अच्छा और कोई जॉब नहीं है इसमें हमने ये करना है कि भाई सिर्फ़ जब से हम इसमें प्रोफेशन में आएंगे उसी वक़्त से हमने ऐसा 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 करना है कि भैया हमने इस मेहनत से काम करना है कि ताकि इंसानियत को हम बचा सकें इंसानियत को हम उनकी खिदमत कर सकें तो उसमें पूरी तरह हम अपने प्रोफेशन में उतर सकें तो कई बार डॉक्टर साहब कई बार ऐसा देखा जाता है कि हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट होते हैं उसके अटेंडेंट जो होते हैं वो नर्सिस के साथ अवद्र व्यवहार करते हैं नर्सिस का मान सम्मान बढ़े उनके मनोबल और बढ़े उसके लिए समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के विषय में नहीं मैं तो मैं तो ये संदेश दूंगा कि भैया डॉक्टर से भी ज़्यादा कीमत जो है वो नर्सिस की है नर्सेज ने एक डॉक्टर जो है चेक करके जब वो वार्ड कहीं चला जाता है अपने रिटायरिंग रूम में या कहीं भाई बैठ जाता है उस नर्स ने ही उसको वॉच करना है ये हम में अवेयरनेस होनी चाहिए हम लोगों में या जो आम जनरल पब्लिक है भैया के नर्सेज की बहुत बड़ी वैल्यू है नर्सेज़ की बहुत बड़ी वैल्यू है जिसके लिए हमने उनकी इतनी रिस्पेक्ट करनी है कि इतनी बेशक किसी की नहीं करनी हो तो एस पी एस डिग्री कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर के आर शर्मा साहब भी आप यहाँ पर मौजूद हैं और हाथों में तख्तियाँ लहराते हुए यहाँ पर जितने भी जो स्टाफ के यहाँ पर मेम्बर थे जितने भी जो स्टूडेंट्स थे आपके एस पी एस पैरा मेडिकल कॉलेज के सुंदरबनी शहर के बीचों बीच से रैली के रूप में आए स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें यहाँ पर नारे लगाए गए और विशेषकर आज नर्सिस के उपलक्ष्य में आज के डे पर क्या कहना चाहेंगे सुंदरबनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मैदान से देखिए जितना भी हमारा ये नर्सिस है नर्सेस सिर्फ दर्द के मौके पे नहीं हर वक़्त जो भी पेशेंट हम एडमिट करते हैं उनके उसके दर्द और तकलीफ़ के लिए अपना सारा जीवन ये डेडिकेट कर रही हैं हमारे लिए इनके इनके बारे में बड़ा मान और सम्मान रहना चाहिए और हर एक समाज को भी और हमारे प्रोफेशन भी ये मान और सम्मान से लेकर इनको साथ में चलते हैं हमारी भारत के जो पहली नर्स थी वो केरला की रहने वाली थी एनिज़ी एनिस जॉय थी एनिस नाई थी एनिस जाए थी भारत की जो पहली नर्स थी और वर्ल्ड की जो पहली नर्स थी वो थी फ्लोरेंस नाइटिंग एल थी जिसका जन्म अठारह में हुआ था और ये 1910 में इसकी डेथ हो गई थी लंदन हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी तो इन्होंने सारा जीवन जो था ये फर्स्ट नर्स जो थी ये एक मॉडल बन के एक पनयर ऑफ नर्सिस के रूप में ये पेश हुई थी जिन्होंने के वार्ड के टाइम में भी जो सोल्जर थे जो वार्ड के जो लोग थे इसका इन इसने फलोरेस नाइटिंग गेल ने पूरा अपना जीवन उनके लिए दे दिया था पेशेंट्स के लिए दिया था तो उसको मान्यता फर्स्ट नर्सिंग जो थी वर्ल्ड की जो दी गई है डॉक्टर साहब जो पैरामेडिकल कॉलेज के अंदर इस समय जो बैच वहाँ पर बैठा हुआ है नर्सिस का जो यहाँ पर इस समय कोचिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर इस समय एडमिशन जिनकी हो रखी है और जो इस जॉब के अंदर इस प्रोफेशन के अंदर आना चाहती है उनके लिए क्या संदेश रहेगा कि आपने अपने उस लक्ष्य पर पहुँचने के बाद अगर आपकी सरकारी जॉब लगती है आप सरकारी नर्स के नाते अगर किसी हॉस्पिटल में तैनात होते तो आपका दायित्व क्या रहेगा ताकि पेशेंट भी सैटिस्फाई जाए उसका अटेंडेंट भी सैटिफाई जाए और आपका जो परम कर्तव्य है वो भी पूरा हो Uh, मैं कम्युनिटी हेल्थ अफसर uh, दूरदृष्टि ब्लॉक सुंदरबनी से डिस्ट्रिक्ट uh, रजौरी से हूँ और मैं इन सभी नर्सेज को जो कि पैरामेडिकल कॉलेज सुंदरबनी से हैं इनको ये संदेश देना चाहूँगी कि ये अपने प्रोफेशन में आने के बाद अपने दायित्व को अच्छे से निभाएं और तीन प्रमुख विषय हैं इनके सबसे पहला प्रसार उपचार और रोकथाम तीन विषयों पर ये बेहतर तरीके से काम को करें और इनका प्रोफेशन बहुत ही डेडिकेटेड सराहनीय और मदर केयर के बाद दूसरा जो केयर आता है वो नर्सिंग केयर का आता है तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण दायित्व को निभाने जाएंगे और ये अपने दायित्व को अच्छे से निभाएं और अपने नर्सिंग केयर को देते हुए पोलाइट बिहेवियर से अपने डेडिकेशन कंपैशन और अपनी आ, आ, अच्छे व्यवहार से लोगों के आ, मन को आ, जीते हमेशा अपने मुख पे हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा रखें और इनकी मेंटल हेल्थ मेडिटेशन के कम्युनिटी हॉल्स बनाए जाएं ताकि ये अपनी मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखते हुए बाक़ी सोसाइटी और समाज को भी स्वस्थ रख सकें थैंक यू वेरी मच तो इंटरनेशनल नर्सिस डे के उपलक्ष्य में इस समय सुंदरबनी के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेरे तस्वीरों के पीछे ठीक आप देख पा रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर एस पी एस पैरा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पर हाथों में तख्तियाँ लेकर स्वच्छ रहें स्वस्थ रहेंगे यह कार या गोश लगाते हुए सुंदरबनी शहर के बीचों बीचे सुंदरबनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँचे और एस वी एस कॉलेज के डायरेक्टर थे डॉक्टर के आर शर्मा साहब और डॉक्टर निसार जो बी एम ओ सुंदरबनी के थे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो बी एम ओ थे उनके द्वारा स्पष्ट संदेश दिया गया कि नर्सिस जो हैं वह समाज के लिए एक अहम कड़ी है और हमारे समाज को किसी भी रोग के उपचार के दौरान किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जो भी रोगी उपचार के लिए दाखिल होता है उनको बेहतर सुविधाएँ प्रोवाइड करने के लिए नर्सिस सबसे अहम योगदान अदा करती हैं और उनका मान सम्मान हमारे समाज का परम कर्तव्य बनता है तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे बाहू एस्पिशनी स्वची रणा के साथ बाहु एफ के लिए मैं राजेंद्र राणा